हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे HDMI व्लॉग्स, और आप है मेरी फैमिली, तो स्वागत है। तो गाइज, हर बार की तरह ये व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पापा और मैं जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कराने जो गाड़ी में होने वाला है, और वो काम है फास्ट टैग लगवाना। तो आप बताना एक बार कमेंट में कि फास्ट टैग लगवाना सही है कि गलत है। और पापा तो अपनी मर्जी से लगा रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं वीडियो भी बना लूंगा और आपको भी दिखा दूंगा। तो मैंने भी सोचा चलो चलते हैं फिर पापा के साथ फास्टैग लगवाने। फिर मैं निकल चला, और देखो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। और वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। वीडियो पे न्यू हो तो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, मेरी जनता देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो पे या चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को दबा दो, जिससे कि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक के पहुंच जाए। समझ गए? तो भाइयों बहनों, चलो बिना देरी के हम अपन वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं, और एंड तक के जरूर देख, रिक्वेस्ट है मेरा कि एंड तक के जरूर देखना वीडियो को। तो गाइस एंड तक के देखना, और लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे आपको दिख जाएगा लगा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को अभी करवाना है हमारे गाड़ी का पॉल्यूशन चेकिंग, जो कि हो जाएगा। और पॉल्यूशन शायद हम लोग जब नई साल नया गाड़ी लिए थे तब तक 1 साल का रहता है। तो अभी अपन आए हैं आज अपने गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करवाने कि प्रदूषण होता है कि नहीं हमारी गाड़ी से। क्या लगता है आपको? नई नवेली है, इतना ज़्यादा भी पुरानी नहीं हुआ है, तो ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं होता होगा। सही है, अभी बस हम लोग को यहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो, जो इसका साइलेंसर है ना, साइलेंसर में ये पाइप वाइप डाल के किया जाता है चेकअप। चेकअप ऐसे कुछ सेटअप रहता है इनका गाड़ी में ही, कहीं पे भी दिख जाएंगे आपको। अपन तो अभी RTO ऑफिस के पास आए हैं, यहाँ पे है देखो। अब क्या है इसमें पाइप वाइप लगाएंगे, मेरे सर पे लग गया। अब क्या है इसमें पाइप वाइप लगाएंगे, और पाइप से फिर चेक होगा यहाँ पे प्रदूषण कितना आता है, कितना हवा आती है। तो इसके लिए पहले गाड़ी पीछे कर रहे हैं पापा। इनका सेटअप बढ़िया है एकदम, हैकर टाइप का। देखो देखो देखो, स्टार्ट हो गया। ये जो है पाइप लग चुका है हमारे गाड़ी के साइलेंसर में, और जब इसमें से धुआं निकलेगी तब इसका चेकअप हो जाएगा कि हाँ कितना प्रदूषण करती है हमारी गाड़ी। ये देखो यहाँ पे सेटिंग है कुछ ऐसा, कंप्यूटर वम्प्यूटर से हो जाता है। तो फटाफट से पहले इसको करवाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका रिजल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड मैक्सिमम लिमिट 3%, आपका है 0। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन ये 1500 लिमिट दिया, आपका है 0, 0 पोल्यूशन है। तो गाइस ज़्यादा कोई पोल्यूशन नहीं है हमारे गाड़ी में, एकदम 0 पोल्यूशन है। तो ऐसा कुछ हो गया हमारा, बहुत जल्दी काम हो गया, सर ने कर दिया, और हो चुका है हमारे पॉल्यूशन चेकअप सर्टिफिकेट। अब बस है हम लोग को फास्टैग का भी देखना है। 19 जुलाई तक है ना, 19 जुलाई तक की इसका लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट। और ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है तो ये इम्पॉर्टेंट रहती है, अगर कहीं पे आपको रोकते हैं तो ये दिखाने से चल जाती है गाड़ी, निकल सकती है। तो ऐसा हो गया, हमारा सर्टिफिकेट मिल गया हमको कि हमारी गाड़ी 0 पॉल्यूशन करती है। और बस इसको अपन को अपने साथ रखना है, कोई रोकता है तो इसको साथ रखोगे और दिखा दोगे तो कोई पकड़ने वाला फिर है नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, पुलिस वाले जब रोकते हैं तो पॉल्यूशन चेकअप भी मांगते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको हम लोग अपनी गाड़ी के कागजात के साथ रख देते हैं। नियम से चलेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। हाँ, तो नियम जरूरी है, नियम कानून। पहले वाला ये देखो यहाँ पे लगा है, पर ये शायद एक्सपायरी हो चुका है, 1 साल रहता है। इसको लगे रहने देते हैं, निकालते नहीं, अच्छा नहीं लगता फिर। तो अभी तक क्या हम लोग ये झिल्ली नहीं निकाले अपनी गाड़ी से, बहुत पुरानी हो गई है फिर भी। अच्छा, साल भर में पुरानी हो गई गाड़ी। साल भर? हाँ यार, बड़ी मेहनत से लिए थे पापा, कमा कमा के। पापा का शौक था ऐसी गाड़ी में घूमने का, और मेरा क्या शौक था पता है? जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी ना, तो मेरे को एक शौक था कि हाँ हमारे पास, हाँ चाबी मैं पकड़ा था, कि हमारे पास ना ऐसे डैशबोर्ड वाली गाड़ी हो। गाइस, इसके शौक के लिए मैंने कर्ज ले लेके गाड़ी लिया है। तो कर्ज में लिए थे हम लोग गाड़ी, थोड़ा पैसा ऐसा नहीं था तो उस टाइम पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शौक बड़ी चीज होती है, पैसा नहीं इसलिए हम लोग लिए। बहुत पटाना भारी पड़ रहा है अभी, मगर हाँ अभी भी बाकी है थोड़ा, तो लिए थे अपन कर्ज इधर उधर से लेके,
तब अभी बचा है थोड़ा, तो पूरा ही नहीं हुआ अभी तक के। 7 लाख की गाड़ी है, कर्ज तो बहुत ज्यादा ही होगा ना। समझ लो 80% हमने कर्ज लिया था, और 100% में 80% हमने कर्ज लिया था, बाकी जो बचा वो हमने अपने तरफ से दिया था, वरना बाकी सब कर्जे में है अभी भी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, पॉल्यूशन वाला हो चुका है हमारा, गाड़ी का पॉल्यूशन चेकअप और सर्टिफिकेट भी हमारा मिल गया था। अब जो है हम लोग आ चुके हैं सुपेला, सीधा दुर्ग से सुपेला, क्योंकि यार हमको फास्टैग लगवाना था, और फास्टैग के लिए हम लोग पहले कार के शोरूम गए, हुंडई के जो हमारी कार की शोरूम है वहां गए। हमने सोचा कि वहां भी लग जाएगा, क्या पता लग सकते हैं। मैंने तो अप्लाई किया था वहां पे, हाँ और शायद हो सकता था मिल जाता, बट वहाँ अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग। मैं उस समय 2019 का हिसाब से लिया था, बट वो उसमें अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग। हाँ तो जो जब कार थी ना तब फास्टैग आया भी नहीं था, उतना नेसेसरी नहीं था, पर हाँ अब हो गया, तो कार हमको नहीं मिला फास्टैग। अभी तो हम लोग सुपेला आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कार के लिए ये ले लिया जाए। तो इसे कहते हैं कार चार्जर, जो कि हमने कार वाला ले लिया है। इसको कार के सॉकेट में लगाएंगे, जो चार्जिंग सॉकेट रहता है उसमें ये लग जाता है, और इससे हमारा मोबाइल और कुछ भी चीज़ आप चार्ज कर सकते हो। तो बढ़िया है, ये भी हमने चेक करके लिए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं बस काम बाकी है फास्टैग का। इसको एक बार खोल के दिखाना क्या है, ऐसी है जो आप सामने देख पा रहे हो पिक्चर। अब बाकी है कार का काम, तो वही जस्ट करना है, फास्टैग लगवाना है हमको। तो गाइस अभी अपन है भिलाई में, और यहाँ पे देखो ऐसी टाइप की गाड़ी है, और यहीं पे हमने फास्टैग भी करवा लिया अपने लिए, क्योंकि ये प्रदूषण केंद्र वाली है और यहाँ पे फास्टैग भी बनता है। तो हम लोग सोचे क्यों ना यहाँ से करवा लिया जाए। 250 चार्जेस है, और 100 रुपीज़ हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ऐसा है अपंडा। और एक ऐप भी आता है, आपने देखा होगा फास्टैग का ऐप, उसमें आएगा सारा मनी जितना भी रहेगा अकाउंट बैलेंस, तो उसमें शो करेगा। तो अपन करवा रहे हैं, पापा जा वहाँ अपना काम करवा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, वैसे भी गाड़ी खोल के गेट बैठ जाते हैं, क्या करेंगे। वैसे भी वो सब कंप्यूटर से काम होने वाला है, गाड़ी पे कुछ नहीं करने वाले। आरसी वारसी लगता है गाड़ी का, और बस अब बन जाएगा हमारा सीधा फास्टैग। तो फास्टैग हमारे यहाँ लगेगा, यहाँ देखो कहाँ गई श्री का, हाँ ये थी, यहाँ लगेगा, और फिर फास्टैग बढ़िया दिखेगा। फिर क्या है, पैसा अपने आप कट जाएगा, जो अकाउंट जब अपन टोल प्लाजा के पास जाएंगे तो उन लोग स्कैन करेंगे और पैसा कट जाएगा अकाउंट से, ऐसा रहता है फास्टैग का सिस्टम। मेरे को तो मतलब ही समझ में नहीं आया, बस हाँ कि हाँ बोल रहे हैं कि अगर पैसा दोगे तो ज़्यादा लगेगा और ऐसे ही कटवाओगे तो कम लगेगा। ठीक है भाई, जैसे मर्जी। तो गाइस आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे, सब्सक्राइब तो कर दो यार, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, समझते नहीं हो आप, बताना पड़ता है आपको, बोलना पड़ता है, कर दो सब्सक्राइब। एक बार सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे तो आप हमारी फैमिली बन जाओगे, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और हमारा भी बहुत खुशी होगी हमें कि आप हमें सब्सक्राइब किए, और अच्छा लगेगा हमें, दिल से अच्छा लगेगा, दिल से प्यार लगेगा कि हाँ यार, हाँ 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 मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ, तो ऐसा लगना चाहिए ना। पर अभी तो अपन बहुत ही छोटे में यूट्यूबर हैं, कुएं के छोटे मेंढक, अभी बड़े बनने देखेंगे। ऊंची छलांग कभी भी नहीं मारनी चाहिए, हमेशा कदम से कदम चल के चलना चाहिए, है ना। तो कदम से चल रहे हैं, और जहां हमारी मंजिल हमको लेके जाएगी इस YouTube की इंडस्ट्री में, वहां हम पहुंच जाएंगे, और बस फिर क्या होना क्या है देखना बस है। तो गाइस वही बात है कि आप नहीं सपोर्ट करोगे, या कोई प्यार नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई अपना दिल खोल के सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएगा, तो कैसे होगा, कैसे होगा, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। तो कर देना प्लीज सब्सक्राइब, और अभी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, तब तक कि अपना वहां पे बन भी जाएगा अपना ये फास्टैग। तो यार लग चुका है हमारा फास्टैग, ये देखो क्या चमक रहा है, इसमें जो चिप रहता है ना इससे पैसा कटता है, तो ये लग चुका है यहाँ पे। अब वो स्कैन हो जाएगा, जैसे हम लोग जाएंगे एंटर करेंगे और स्कैन हो जाएगा, फिर जो है हमको जाने दे देंगे, और फिर हो जाएगा, फिर जो है अपना पैसा भी कट जाएगा, और टोल प्लाजा से अपन आराम से निकल जाएंगे VIP जैसे। तो आप भी ऐसे करवा सकते हैं, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ऐसे
रोड में लगाए रहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं अपनी गाड़ी लेके और करवा सकते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो हमने तो करवा लिया, अब बस चलते हैं घर। हे गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका था घर, और घर आने के बाद मेरे को एकदम सी भूख लग गई। तो मैंने सोचा क्या खाया जाए, तो मैं पहुंच गया किचन में और मैंने ढूंढा इधर उधर, तो मुझे मिला पापड़। पापड़ तो एकदम सादा यार, अब मेरे को जमा नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको इंटरेस्टिंग किया जाए, और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्राई किया। तो यार आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया, देखो मैंने इस पापड़ में प्याज, टमाटर और थोड़े से नमक मसाले डाल के एकदम टेस्टी पापड़ बना दिया, और बहुत ही ज्यादा स्पेशल और टेस्टी भी है ये, एकदम क्रंची और डिलीशियस। आप भी ट्राई कर सकते हो। तो घर आते मारे मैंने ये किया। तो आज के वीडियो में हम लोग कैसे किया, तो आज के वीडियो में हम लोग पॉल्यूशन टेस्ट करवाए अपनी गाड़ी का, फास्टैग लगवाए और एक चार्जर खरीदे। ज्यादातर काम हमारे गाड़ी का ही हुआ। तू क्या कर रही है? ले ले यार, ले 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 ले, चल खा निकल, भग भग भग। अब मैं जो ना थोड़ा हेल्दी खाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये खा रहा हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए गुड बाय। और फास्टैग तो हमारा लग भी गया और मस्त मजा आया। फास्टैग पहली बार देखा मैंने लगते हुए, और हमारे गाड़ी का प्रदूषण चेक भी हुआ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो कर देना सब्सक्राइब, जो मेरे को हमेशा बोलना पड़ता है, क्यों पता नहीं यार, पर अभी तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आप सभी को मेरे को अपनी फैमिली बनानी है। तो प्लीज कर देना सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, और स्टे सेफ, स्टे क्लीन, गुड बाय। लाइक कर देना बेबी के लिए भी।